तीन पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहां जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है? हम इसका विरोध करते हैं और आज हम ये मांग करते हैं संसद को।